पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र मानवीय चेतना, मानवीय व्यक्तित्व के समग्र रूपांतरण का मंत्र है और उन संभावनाओं के जागरण का मंत्र है जिनके जाग जाने के बाद हमारे भीतर की पशुता खो जाती है और प्रभुता की शुरुआत होती है, दीनता जाती है और देवत्व जागता है। वो संभावनाएँ जो मानव को महामानव में बदलती हैं वो हमारे भीतर जाग सकें, इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस अत्यंत ही पुनीत और ऐतिहासिक अवसर पर जो माँ गायत्री का ये पावन पर्व है और शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग स्मारक डाक टिकट के अनावरण समारोह के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिजिटल माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़ रहे आदरणीय श्री रविशंकर जी, इस प्रदेश के अत्यंत ही कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, आदरणीय श्री मदन कौशिक जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय कुलाधिपति जी श्रद्धेय जी जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय कुलपति जी, कुल सचिव जी आदरणीय श्री सुनील राय जी, विशिष्ट अतिथिगण और डिजिटल माध्यम से लाखों की संख्या में जुड़ रहे गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागणों, प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, आज गायत्री जयंती के जिस पावन अवसर पर इस युग के महानतम ऋषि की जिस तपोभूमि में, कर्मभूमि में, उस भूमि में जो करोड़ों गायत्री परिजनों की आस्था का, श्रद्धा का, समर्पण का, निष्ठा का आधार है, केंद्र है, उस भूमि में जो उनकी प्रखरतम साधना और कालजयी चिंतन की साक्षी रही है, उस भूमि में प्रतिष्ठित इस मृत्युंजय सभागार में हम लोगों को अनेकों बार अनेकों उल्लेखनीय आयोजनों का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य मिला है। पर उस लंबी सूची में आज के इस कार्यक्रम को अब तक के इतिहास का मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सौभाग्य कहना चाहता हूं, और इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज हम लोग हमारे अस्तित्व के आधार, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारी सब कुछ शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इस डाक टिकट अनावरण समारोह के लिए यहाँ एकत्रित हैं। और इस सौभाग्य को साकार करने के लिए करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से मैं आदरणीय श्री रविशंकर जी का और पोस्टल विभाग का, सुश्री गुप्ता जी का जिनने उस टिकट को डिज़ाइन किया, और सभी पोस्टल विभाग के अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब 18 जनवरी 2021 को उनसे एक संक्षिप्त सी मुलाकात उनके कार्यालय में हुई थी तो इस संदर्भ में निर्णय लेने में उनको 10 से भी कम सेकेंड का समय लगा था। तो हम सबकी ओर से उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो भाव उनके गुरुदेव के प्रति, शांति कुंज के प्रति हैं, उनको आप स्वयं अभी सुनेंगे तो गौरवान्वित महसूस करेंगे। सही पूछा जाए तो शांति कुंज की धरती पर उपस्थित होना किसी गौरव से कम नहीं। बाहर की दृष्टि से देखें तो इस आश्रम का जो फलक है वो साधारण सा है, अनेकों ऐसे प्रतिष्ठान होंगे जिनका स्वरूप, आकार, वैभव हम लोगों की तुलना में ज़्यादा विशाल होगा। पर यदि हम उद्देश्य की दृष्टि से देखें, उस उद्देश्य की दृष्टि से देखें जिसमें मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण की अवधारणा छिपी पड़ी है, उस उद्देश्य की दृष्टि से देखें जिसमें वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता का उद्घोष छिपा पड़ा है, उस उद्गम की दृष्टि से देखें जिसके तार ऋषि सत्ताओं से जाकर के जुड़ते हैं, तो आज हम लोग यहाँ ये महसूस कर सकेंगे कि ऊर्जा के एक ऐसे गर्भगृह के अंदर उपस्थित है जहाँ पर मनुष्य के आध्यात्मिक कायाकल्प, व्यक्ति, परिवार, समस्त सृष्टि, सबके परिवर्तन के गुण और तत्व विद्यमान है। सही पूछा जाए तो शांति कुंज इस धरती पर देवीय चेतना की उपस्थिति का प्रतीक भी है और प्रमाण भी है। रामकृष्ण परमहंस की घटना मुझे याद आती है कि जब केशव चंद्र सेन उनसे मिलने के लिए गए, ब्राह्म समाज के प्रेसिडेंट थे, तो उनने उनको एक तरफ बिठाया और उनके साथ आए वॉलंटियर जो थे उनमें से एक विवेकानंद थे उनके साथ जाकर के बैठे। लोगों ने कहा साहब अध्यक्ष वहाँ बैठे हैं, बोले उधर दीपक जल रहा है, इधर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास बैठा हूँ। और उन्होंने फिर केशव चंद्र सेन से कहा कि केशव जो तू कर रहा है वो करने के लिए तुझे भगवान का आदेश हुआ है, बोले नहीं हुआ, बोले फिर नहीं चलेगा, बोले ये वाला चलेगा। वैसे ही जब अखंड ज्योति की शुरुआत गुरुदेव ने करी तो 250 प्रतियां लेकर के लोगों को बांटते थे, पैसे लेते नहीं थे, विज्ञापन लेते नहीं थे, लोगों ने कहा नहीं चलेगी,
गुरुदेव ने कहा इंसान की चलाई हुई योगी तो नहीं चलेगी और भगवान की चलाई हुई योगी तो चलेगी। ये भगवान की चलाई हुई योजना है, ईश्वरीय योजना है, देवी योजना है। और इसमें यदि सही पूछा जाए तो शांति कुंज का उद्देश्य आयुधों का निर्माण करना है। वी आर द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यहाँ भगवान शिव का त्रिशूल तैयार होता है, पिनाक तैयार होता है, पाशुपति अस्त्र तैयार होता है, यहाँ भगवान कृष्ण का सुदर्शन तैयार होता है, पांचजन्य तैयार होता है, इंद्र का वज्र, पौंड, सुघोष, अनंत विजय, उनको तैयार करने की ये फैक्ट्री है जहाँ पर उस ऊर्जा का इस्तेमाल होता है जो नाभिकी नहीं है पर आत्मिक साधनात्मक ऊर्जा है, जहाँ पर करोड़ों का जप, करोड़ों का तप, परम पूज्य गुरुदेव के जन्म जन्मांतर के पुण्य व्यक्ति को अंदर से परिवर्तन के लिए और आत्मिक दृष्टि से जागरण के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर व्यक्तित्व की गलाई होती है और कुछ संस्कारों की ढलाई होती है। ऐसे व्यक्तित्व तैयार किए जाते हैं जो अंधकार के साथ इस परिस्थिति में निस्तारण कर पाने की सामर्थ्य रखें, क्योंकि ये भाव बाहर से संभव नहीं। बाहर से आप किसी को 1 करोड़ रुपए दे दीजिए और कहिए आप कल से बुद्ध बन जाए तो बन नहीं पाएगा। 1 करोड़ रुपए लेकर के बुद्ध की एक्टिंग संभव है पर बुद्ध बन पाना संभव नहीं। वो बनने के लिए जिस आंतरिक ऊर्जा की, आत्मिक संकल्प की आवश्यकता होती है, वो पैदा करने का कारखाना शांति कुंज है। आज से वर्षों पहले जब भगवान महाकाल ने ये कहा कि अंधेरा इतना हावी है तो ऐसे में देवत्व क्या सो गया है? ऋषियों की, मुनियों की, देवताओं की, अवधूतों की, तीर्थंकरों की धरती रहा है भारत क्या सो गया है? जब गीदड़ों की, गिद्धों की, सियारों की टोलियाँ दिखाई पड़ती हैं तो सिंहों की गुफाएँ खाली क्यों हैं? तो ऐसे में गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ऐसे व्यक्तित्वों को तैयार करने का, गढ़ने का एक केंद्र शांति कुंज है। और आज हम लोगों का सौभाग्य कि नवयुग के मत्स्यावतार, सत्युग की वापसी के केंद्र, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य की सभी संभावनाओं के आधार शांति कुंज की इस पवित्र धरती पर हम लोग उपस्थित हैं, जहां उसके 50वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस डाक टिकट अनावरण समारोह का शुभ कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम को करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को पुनः समस्त गायत्री परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, हृदय से धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।